हे गाइस, एवेंजर्स 4 का ट्रेलर आ चुका है जिसमें उसका टाइटल भी रिवील हो गया। लेकिन क्या आप लोगों ने इस बात को गौर किया था कि जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहां पर मार्वल्स एवेंजर्स ऑफिशियल ट्रेलर लिखा हुआ था, ना कि एवेंजर्स एंड गेम। यानी कि जब तक आप ट्रेलर ना देखो आपको टाइटल के बारे में कुछ हिंट नहीं मिलता। अब आते हैं ट्रेलर के ऊपर। ट्रेलर की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क से, जहाँ पर वो एक मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा है पेपर पॉट्स के लिए। इस मैसेज के जरिए हमें ये मालूम पड़ता है कि टोनी स्टार्क की हालत अभी खस्ता है। वहाँ पर खाने पीने का सामान 4 दिन पहले ही ख़त्म हो गया और अगले 24 घंटे में वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी पड़ जाएगी। टोनी फिलहाल बेनाटार यानी कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के शिप में है और इस शिप में उसके साथ नेब्यूला भी है। तो यहाँ पर आप सभी के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि अगर नेब्यूला साथ में है तो वो टोनी स्टार्क को अर्थ क्यों नहीं लेके जा रही, क्योंकि उसे तो इस तरह की स्पेसशिप उड़ानी आती है। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि जब थैनोस ने मून के टुकड़ों को टोनी स्टार्क के ऊपर फेंका था तो शायद कुछ टुकड़ों ने बेनेटार के थ्रस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से बेनेटार अब स्पीड जंप लेने लायक नहीं बचा। ये स्पीड जंप इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के वजह से ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस को बहुत ही कम समय में ट्रैवल किया जा सकता है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा जब गार्जियन ऑफ गैलेक्सी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के डिस्ट्रेस कॉल का जवाब दे रहे थे। और तो और, क्यू शिप में भी इबोनी मॉ ने इसी तरह का स्पीड जंप करवाया था, जिसके बदौलत टाइटन पहुंचने में क्यू शिप को ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप टोनी स्टार के बहुत ही तगड़े वाले फैन हो तो आप लोगों ने टोनी स्टार के इस अटायर को देखते ही आपको एक वाइब फील होगी आयरन मैन मूवी की, जब उन्हें केव में कैद करके रखा गया था और वो फर्स्ट टाइम आयरन मैन शूट का इजाद कर रहे थे। वहां पर भी उनके लिए करो या मरो जैसा सिचुएशन था और मरने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन से बच के निकल पाए और सिमिलरली इस सीन में भी वैसा ही होगा। यहाँ से हमें और एक बात पता चली, ये कि थॉर के पास जो स्टॉर्म ब्रेकर है और उसमें जो बायफ्रॉस्ट खोलने की ताकत है वो एक लिमिटेशन के साथ है। यानी कि थॉर जहां सोचेगा वहीं जा सकता है। थॉर को आइडिया ही नहीं था कि टाइटन में वॉर हो रहा है, इसीलिए वो वहां पर नहीं गया। वो सीधे अर्थ आया क्योंकि वो जानता था कि वहां पर माइंड स्टोन है, जिसके लिए थैनोस वहां पर जरूर आएगा। थॉर हेमडाल के जैसे 9 रियल्म्स में नहीं देख सकता कि कौन कहां पर है, नहीं तो उसे सब मालूम पड़ जाता कि टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए वहां जरूर जाता। और इसीलिए थॉर बायफ्रॉस्ट खोल के टोनी को बचा लेगा वाला ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि थॉर को आइडिया ही नहीं कि टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है और वो बेनेटार में है और बेनेटार एक शिप है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि नेब्यूला डिस्ट्रेस कॉल देते जा रही होगी कि उसे हेल्प मिले, बट क्योंकि अर्थ के टेक्नोलॉजी एलियन टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत ही आउटडेटेड है, वहां पर डिस्ट्रेस कॉल पहुंचने में टाइम लग रहा होगा या फिर पहुंच ही नहीं रहा होगा। अगर डिस्ट्रेस कॉल पहुंच भी रहा होगा तो वो भी बहुत देर से, और मुझे लगता है इस डिस्ट्रेस कॉल के रेस्पॉन्स में पेपर पॉट्स ही रेस्क्यू करने आएगी, क्योंकि ट्रेलर में भी एक जगह टोनी स्टार्क रेस्क्यू वर्ड यूज करते हैं और जो आर्मर पेपर पॉट्स यूज करती है वो है रेस्क्यू आर्मर, और ये आर्मर एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया जाएगा। इसका कंफर्मेशन बहुत पहले हो चुका है। मेरे हिसाब से रेस्क्यू आर्मर का इंट्रोडक्शन एमसीयू में बहुत ही धाकड़ वे में होगा, और यहाँ पर प्रेजेंटली मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही सिनेरियो ऐसे आ रहे हैं। पहला, टोनी स्टार्क को ऐसे जाकर बचाना, और दूसरा, टोनी स्टार्क के एब्सेंस में आयरन मैन के मेंटल को खाली ना रखते हुए पेपर पॉट्स उसकी जगह लेती है रेस्क्यू आर्मर पहनकर। अब अगर डिस्ट्रेस कॉल अर्थ नहीं पहुंच रहा है और आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो यहां पर हमें दिख सकते हैं। हो सकता है कि कैप्टन मार्वल का इंट्रोडक्शन यहां पर हो, क्योंकि ये भी एक तरह से हीरोइक होगा। और ट्रेलर के एंड में जब हम लोगों ने स्कॉट लैंग को वहां पर देखा तो वो अकेला था, यानी कि वो क्वांटम रेल्म से अकेला आया। यानी कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि क्वांटम रेल्म से ही कैप्टन मार्वल आई हो। कैप्टन मार्वल के अलावा यहां पर हमें बेटा रे बिल का भी इंट्रोडक्शन दिखाया जा सकता है, जिसका मूर्ति हम लोगों को थॉर रैग्नारोक मूवी में दिखाया गया, या फिर यहां पर हमें रेवेंजर्स की टोरी भी दिखाई जा सकती है। चिंता मत करिएगा गाइस, क्योंकि टोनी स्टार्क की डेथ भूख या ऑक्सीजन की कमी से कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस कैरेक्टर को बिल्ड करने में मार्वल ने इतने साल लगा दिए, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जान और टाइम स्टोन दोनों सिर्फ इसलिए दिए ताकि टोनी स्टार्क जी सके, तो टोनी स्टार्क का इस तरह मरना तय तो बिल्कुल भी नहीं है। और तो और, हम ये भी जानते हैं कि बार्फ टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होगा इस मूवी में, तो बार्फ टेक्नोलॉजी का यूज वो भी टोनी स्टार्क के बिना यानी कि उसके क्रिएटर के बिना पॉसिबल नहीं लग रहा।
और जो लोग इस सीन में नेबुला का हाथ किसी के ऊपर रखे हुए देखकर और ये प्रेडिक्ट कर रहे कि वो टोनी स्टार्क है और वो मर चुका है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हाँ भाई, वो टोनी स्टार्क हो सकता है, बट मर गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं। बेहोश वाला कंडीशन भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि उस सीट में बैठे हो जिससे वो शिप को कंट्रोल करना हो और वो लोग एक लोकेशन में पहुंचने वाले हो, और ये राहत की सांस वाली हाथ फेरी है। नेब्युला जितनी एलियन है उतनी ही उसके शरीर में टेक्नोलॉजी भी फिट है, इसीलिए वो टोनी स्टार्क से ज़्यादा देरी तक जिंदा रह पाएगी। और जब नेब्युला के सामने किसी ने टाइम स्टोन का सौदा किया किसी के जान के बदले, तो वो उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकती, कुछ न कुछ उपाय तो जरूर निकलेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब टाइटन में वो सांस ले पा रहे थे तो फिर वो वहीं क्यों नहीं रुक गए, वो वहां से बाहर निकले क्यों? तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अब टाइटन भी रहने लायक जगह नहीं बचा। तो ऐसे में और एक सवाल उठ जाता है, और वो सवाल ये उठता है कि अगर टाइटन रहने लायक बचा नहीं तो थानोस है कहाँ, इतनी हरियाली है कहाँ पर? जिसका आंसर रूसो ब्रदर्स बहुत पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में जहां थानोस पे रहता है वो भी टाइटन है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में सुने तो वो था टाइटन 2। तो हम लोगों ने इसे टाइटन न्यूमेरिक 2 सोचने का जगह TOO 2 समझ लिया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस यहां पे लंगड़ा के चल रहा था तो हमें एक बैक व्यू मिला था थानोस के आर्मर का, जो कि स्केयरक्रो फॉर्म में वहां पर था, और इसी चीज को ट्रेलर में फ्रंट व्यू से दिखाया गया। तो जब हमें फ्रंट व्यू मिल चुका है तो हमारे पास अब इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि जब थानोस ने अपने आर्मर को थॉर के शिप में ही खोल दिया था तो वहां पर वो आर्मर आया कैसे? असल में ये वो आर्मर नहीं है जिसे पहनकर वो थॉर से भिड़ने गया था, असल में ये पुराना वाला आर्मर है जिसे पहनकर थानोस प्लैनेट्स इन्वेड करता था, जैसा कि उसने गमोरा के प्लेनेट में किया था, और उस वक्त जो आर्मर उसने पहना था ये वही आर्मर है। ये सीन एक्चुअली में कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जिसमें थानोस एडम वॉर्लॉक के हाथों हारने के बाद से एक फार्मर बन जाता है, और वहाँ पे भी वो अपना आर्मर एक स्केयरक्रो के तरह यूज करता है, लेकिन यहाँ पर थानोस जीतने के बाद अपने आर्मर को स्केयरक्रो की तरह यूज कर रहा है। उसी कॉमिक से इंस्पायर्ड और एक सीन हम लोगों को देखने मिलता है, लेकिन वो थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रूस बैनर मिसिंग कैंडिडेट्स की ओर देख रहा है। असल में कॉमिक्स में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका देखता है कि कौन कौन डिसअपेयर हो चुका है। मे बी मूवी में जब हमें ये दिखाया जाए तो उस वक्त उस सीन में कैप्टन अमेरिका को भी वहाँ पर दिखाया जाए। कॉमिक इंस्पिरेशन की बात की जाए तो हम यहाँ पर क्लिंट बार्टन को रॉनिन के रूप में भी देख सकते हैं, और इस सीन में बहुत ही डीपर मीनिंग है। जब कैप्टन अमेरिका ये बोल रहे होते हैं कि वी लॉस्ट फ्रेंड्स, और जैसे ही फैमिली बोलते हैं उस वक्त रॉनिन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जब क्लिंट मुड़ता है तो उसके ऊपर रेड लाइट पड़ रही होती है जो उसके हाफ फेस को कवर कर रही होती है, जो कि ये दर्शाता है कि अब ये पुराना वाला क्लिंट नहीं रहा, इस क्लिंट के अंदर बदले की भाव है और वो अब रहम दिल नहीं रहा। आप लोगों ने एक चीज को नोट किया होगा कि जब तक जरूरी ना पड़े क्लिंट नहीं मारता था। ऐसे कई सिनेरियोज आए हैं जहां पर क्लिंट चाहे तो उन लोगों को मार सकता था पर वो मारता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो बंदरगाह वाला सीन तो याद होगा ही, जहां पर अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम का सौदा करने के लिए यूलिसिस क्लॉफ के पास जाता है, और वहां पे हमारी एवेंजर्स की टीम भी पहुंचती है, और वहां पे एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन क्लिंट वहां पे किसी को नहीं मारता, सबको वो वहां पे डिसेबल कर देता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह उसने कटाना स्वॉर्ड से वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये जापानीज माफिया हो सकते हैं जिन्हें याकूजा कहा जाता है, जिनके बारे में थोड़ा सा हिंट हमें डेयर डेविल की टीवी सीरीज में मिला है, और कह सकते हैं एक्स मैन में दिखाया जा चुका है। और इस डेडली अवतार को देखकर ही ब्लैक विडो यहाँ पर इतनी आश्चर्यचकित भाव में नजर आ रही है। ट्रेलर में हम ब्लैक विडो की वॉइस सुनते हैं, और एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया जाता है कि वो बता रही होती है कि थानोस ने कहा था कि वो आधे पॉपुलेशन का खात्मा कर देगा, और उसने किया भी। तो ये बात वो उसी को बताएगी जिसको ये बात मालूम नहीं होगी। और यहाँ पर स्कॉट लैंग और क्लिंट बार्टन ही दो अहम ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि एक्चुअली में हुआ क्या है, और शायद इस सैड स्टोरी की रीटेलिंग के वजह से ही हमारे कैप्टन अमेरिका की आंखों में आंसू आ गए। इस सीन में हम देख सकते हैं कि स्कॉट लैंग और शूरी के तस्वीरों के नीचे एक रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है। हम भले ही शूरी के नीचे क्या लिखा वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन स्कॉट लैंग के नीचे लिखा हुआ है मिसिंग, और मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी मिसिंग ही लिखा हो। शूरी के बाद वहां पर पीटर पार्कर की तस्वीर आती है जहां पर लिखा हुआ रहता है मिसिंग, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि अर्थ पे मौजूद एवेंजर्स को अभी तक इस बारे में नहीं मालूम है कि टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है। थॉर हमें रिग्रेट करते हुए दिखता है, और थॉर अभी एवेंजर्स हेडक्वार्टर में है, और इस बात का अंदाजा आप पीछे के इस बैकग्राउंड से लगा सकते हो जिसे ट्रेलर में दो बार दिखाया गया।
इस ट्रेलर में हमें स्टीव रॉजर्स एज एन कैप्टन अमेरिका नजर आते हैं और यहाँ पर जो सूट उन्होंने पहना है वो स्टील सूट है, जिसका सिमिलर लुक हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था। इस ट्रेलर से हमें एक आइडिया नजर आ रहा है कि इस मूवी में कैप्टन अमेरिका का थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल होगा, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर फोकस थॉर, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स पे हुआ था, बाकी कैरेक्टर्स को बस दिखा दिया गया। लेकिन इस बार एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर से हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पहला मूव थानोस के खिलाफ कैप्टन अमेरिका की तरफ से है और उनका ये मूव कोई छोटा मोटा मूव नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी कीमत भी बता रहे हैं कि अगर इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो जो बची कुची यूनिवर्स बची है वो भी नहीं बचेगी। और ये मूव कोई छोटी मोटी मूव नहीं होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो कॉम्पास में लगी पेगी कार्टर की तस्वीर को देखते हैं, जो कि हमें याद दिलाता है कि आखिरी बार जब उन्होंने ऐसा किया था और ये चीज़ हमें स्क्रीन में दिखाई गई थी तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कोई सिमिलर मूव देखने को मिलेगा। उनका ये लास्ट लाइन जब वो कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा, इशारा है कि अगर उनका ये प्लान काम नहीं किया तो उनके मोरल कोड्स टूटने वाले हैं। यहाँ पर मोरल कोड से मतलब है कि उम्मीद की हर एक किरण बंद हो जाएगी या फिर वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो एज एन कैप्टन अमेरिका एज एन लीडर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा करेंगे। नोट कीजिएगा कि किस तरह एवेंजर्स एंड गेम का लोगो बनता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि मार्वल स्टूडियोज किस तरह धूल से बन के उड़ गए और यहाँ पर वही टुकड़े जुड़ जुड़ के बनते हैं, यानी कि जो भी चीज़ एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में हुआ था वो चीज़ यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स मरे थे वो सब के सब वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम स्कॉट लैंग को उसी गाड़ी के साथ देखते हैं जिसके पीछे में क्वांटम टनल है, जिसके थ्रू वो क्वांटम रेल्म गए थे। अब वो क्वांटम रेल्म से वापस आया कैसे, तो इसका शॉर्ट में आंसर बस इतना है कि टाइम वॉर्टेक्स के थ्रू आया, लेकिन वो कैसे आया इससे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कैप्टन अमेरिका के पास कोई प्लान था थानोस के खिलाफ तो उसे वो बहुत पहले ही यूज कर चुका होता, इतने दिन तक वो वेट नहीं करता। तो मोस्ट प्रोबेबली स्कॉट लैंग का यहाँ पर अचानक से टपकना ही एक उम्मीद की किरण जगाती है कैप्टन अमेरिका के अंदर कि वो फिर से वापस सब चीज नॉर्मल करवा सकते हैं। इस सीन में यहाँ पर पत्तियों का गिरना, थॉर के हेयर स्टाइल फिर से नॉर्मल थोड़ा हो जाना, क्योंकि स्टैनली ने जब हेयर कट किया था तो थोड़े साइड साइड में डिजाइन थे, उसके बाद टोरी के इस हाल में होना, बाकियों के थोड़े नॉर्मल लुक में आना, ऐसा नहीं लगता कि 5 साल गुजर गए हो, ये बस थोड़े से ही टाइम समय के बाद का सीन है। प्लस हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में ही थानोस को लंगड़ाते हुए चलते हुए देखा था और ट्रेलर में भी हम उसे उसी हाल में देख रहे हैं, तो ज्यादा समय पार नहीं हुआ है, कुछ महीने जरूर पार हुए होंगे। स्कॉट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के रेफरेंसेस देता है जिस वक्त वो जायंट मैन बना था। टाइम ट्रेवल का हिंट हमें इस टीजर ट्रेलर में तो नहीं मिला, बट चांसेस है वही होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन चुन ही नहीं सकते। एंटमैन और थॉर को ले जाकर डायरेक्ट थानोस से भिड़ना, ये तो कोई ऑप्शन लगता ही नहीं है। थानोस को हराने के लिए 2, 3, 5, 6, 7 सुपर हीरोज की नहीं बल्कि पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम चाहिए। कैप्टन अमेरिका इसके लिए टाइम ट्रेवल का ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शंस बहुत कम है। माना कि डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क जैसे कैरेक्टर टाइम ट्रेवल जैसे चीज़ों को जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके वजह से रियलिटी में थोड़े चेंजेस आएंगे जिसके वजह से फ्यूचर में इंपैक्ट पड़ेगा। बट कैप्टन के हिसाब से प्रेजेंट सिनेरियो से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल करके कुछ चेंजेस तो जरूर करेंगे जिसके वजह से फ्यूचर में इंपैक्ट पड़ेगा। और शायद इसीलिए हमें एक नया विलन भी देखने को मिल जाए, जिसका हिंट हमें एक टॉय सेलिंग कंपनी के प्रमोशन से मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि थॉर और रॉकेट स्पेस में जाते हैं एक नए विलन का सामना करने के लिए। खैर जो भी होगा वो तो हमें मूवीज में पता चल ही जाएगा। टीजर ट्रेलर से मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी उसे मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया, और जितने आइडियाज़ निकल सकते थे, जितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकते थे, जितने आइडियाज़ अभी तक आए उन्हें मैंने अभी बता दिया। बाकी बाद में कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐसी कुछ बातें मुझे पता चलती है तो यूट्यूब चैनल है ही, मैं उसके थ्रू आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। लेकिन अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट थ्योरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर मुझे वो ज्यादा इंप्रेसिव लगी तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे थोड़ी गलतियाँ हो सकती है। और जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अपना ख्याल रखें, लोगों की मदद करें, कीप मूविंग फॉरवर्ड के मोटो को फॉलो करें
और पेशेंस बनाए रखें, एवेंजर्स 4 आने में अभी भी 4 महीने बाकी हैं। और पेशेंस बनाए रखें क्योंकि एवेंजर्स 4 आने में अभी भी बहुत समय है। वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।